चयानी बेटियां स्वयं प्रभु पर चलाए पत्र पाकर सभी नरेश है काशी जाए हस्तिनाधीश पास क्यों नहीं गई काशी नरेश की तीन बेटियां अंबे अंबा अंबालिका तीनों का स्वयंवर काशी नरेश रचवाए थे। देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजे थे या भेजवाए थे लेकिन हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्मदाता के पास इस स्वयंवर से संबंधित कोई पत्र नहीं भेजा गया। किसी तरह से खबर मिल गई भीष्म दादा को कि मेरा अपमान किया गया है। हर राजा के पास निमंत्रण पत्र भेजा गया है, मेरे पास नहीं। अपना अपमान समझ करके भीष्म दादा रथ पर बैठे कि अपने अपमान का बदला लूंगा, सहन करूंगा ना अपमान वाली गाली को, सहन करूंगा ना अपमान वाली गाली को, अरे हरण कर लाऊंगा अम्बे अम्बा अम्बाली को। बाहर की बात है, अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। रथ पर बैठे भीष्म दादा पहुंच गए कहां, काशी में स्वयंवर शाला में, जहां देश विदेश के राजा गण बैठे हुए थे। राजाओं की निगाह पड़ी भीष्म दादा पर, लगे टांट कसने, व्यंग कसने लगे, व्यंग बोलने लगे। क्या व्यंगबाजी करते हैं राजा लोग भीष्म दादा को देख करके? गीत बदलत बा, कौन गीत बा? के ललकी महालिया में, अरे ललकी जिंदगी में जब ही भरल ले 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 ला मामा से धोखे ले लगे। अच्छा जब देख हुए तो लेबे करा तो एक बार पहला दोबारा फिर देह जात हुए पैसा लगा के से। और यार यात्री बाबू सुमित ठाकुर, आप वीरपुर गाजीपुर की पावन धरती से पुष्पहार और सागर 100 रुपए पुरस्कार प्रदान किए हैं। पुष्पहार 100 रुपए पुरस्कार केशव यादव जी चपर काशी के नगरिया मोरे रामा हो या
पंडा प्रयाज ब्रह्मचारी जी बह करे मालूम अनंग अंग अंग बाढ़ते घरे हई कसम खिल रहन की हम आजीवन कुमारे रह ब्रह्मचर्य पालन कर बियाह करबे न करब स्वयंवर का नाम है सुनत मेहरारू बदे आगे एक बात और कहल चल से या छूटा ना बा केहू का जीवनिया दुनिया में सुनो केहू बा का जेकर जिंदगी पानी के बिना चल सके चल से या छूटा ना बा केहू का जीवनिया प्यार का गुलाम हो ले शाला में रहलन सबके माथे का ताज उतार लेलन बाण चला के भीष्म दादा तेरी लगन को मास्टर सालों के माला पहना के अपन पति बनावे वाली रहल लेकिन भीष्म दादा तो बोल दिए कि काशी नरेश की तीनों बेटियां मेरे रथ पर बैठ जाएं। अगर काशी नरेश अपनी जिंदगी चाहते हो तो तीनों बेटियों को कह दे कि मेरे रथ पर बैठें, मैं लेकर के हस्तिनापुर जाऊंगा। आखिर अंबे अंबा अंबालिका तीनों भीष्म दादा के रथ पर बैठ गई लेकिन साल्व सोच गया कि अरे ई तो दुई के लेके जीतन कोनो दिक्कत ना रहा, हमार होवे वाली पत्नी अंबा के भी लेके जात हुमन ई बर्दाश्त के बहरे का बात बा। रास्ता रोक लिया भीष्म दादा का, नतीजा निकला कि भीषम कमान से चला बाण, भीषम कमान से चला बाण, झट सांव के धनुष टूट गई, पथ गया बाण के बाधों में, भय खाया हिम्मत टूट गई। बाबूजी
भीष्म दादा बाण चढ़ाए और साल्व राज के चारों तरफ से बाण की दीवार खड़ी कर दी, पिछड़े में घेरा गई। हाथ जोड़ के साल्व का लस किए, दादा ले जा, जिंदगी रही तो बहुत अंबाजी से नवरत मिली हमसे। भीष्म दादा तीनों के लेके आ गई हस्तिनापुर, तो गीत बदलत बाबर है, अपने जमाने का सुपर हिट गीत रहे जब यहाँ में शुरुआत के लिए रही, कौन गीत रहे कि काली माई हो, काली माई हो तो नहीं के भगवानी गीत बा, लेकिन गाना में कहना बा कि भूपा बन ले, भूपा बन ले समरिया में भिजा लस्सिया, अंबे अंबा अंबालिका को लेकर के हस्तिनापुर में पहुंच जाते हैं। होता है क्या कि हस्तिना नगरी ले आके हस्तिनापुर में अंबा अंबे और अंबालिका दुई का शादी अपने दुई भाई से करा दे भीष्म दादा, विचित्र वीर्य यानी से अपने दुई भाई चित्रांगद और विचित्र वीर्य कर, लेकिन अंबा जौन रह जौन सालों से प्रेम के लिए रह कलश के महाराज, जेकर पत्नी बने वाली रही ओकर तो बने ना देहला, तो हम दूसरे से शादी ना करब, करब तो तुही से करब, तो आप हमसे शादी कैला। भीष्म दादा सोच गए कि अरे बाप रे बाप, इता हमार कसम तोड़वावे पर लगल बा, कहलस की शादी ना करब तो हमके इज्जत से भेजवा दा वही सालू के पास। भीष्म दादा कहना कि इज्जत से जा, गीत बदलत बा का भाई भीष्म से दूर भइल, अब भाई भीष्म से दूर भइल मन we
गईल इज्जत से भेजवा दे हमारे रथ पर। गईल सालों के लगे अंबा, लेकिन सालों कहा कि भाई मैं अब शादी तुमसे नहीं करूंगा। अरे भाई जो भरी सभा में से उठाकर अपहरण करके लेकर चला गया वो तुम्हारी इज्जत छोड़ा होगा क्या? हम शादी नहीं करेंगे। वो हरों से गई, ये हरों से गई। रोवत अंबा निराश चल गए। जातवा जंगल के रास्ता से परशुराम जी से भेंट हो गई। परशुराम, परशुराम फरसा वाला परशुराम, तू शंका में ना हो कि कर्पाल वाला, शंका में मत रहा। फरसाधारी परशुराम जी मिल गए भीष्म का गुरु जी। कहलन कि काहे उदासन हो, सारी बात बतौलस। परशुराम जी कहलन कि चाहत का हो। अम्बा कहलस कि हम भीष्म से ही शादी कर चाहत है। कि चला वो हमार चेला है, कह दे शादी कर ले। लेके परशुराम जी पहुंचलन भीष्म दादा के लगे। आ जाए के भीष्म दादा से कहलन, का कहलन गीत बदलत बा। इके बजाई हम ये अपन घर जे आ सरनिया वाले कहे डेरावा बताई दे छोटकी नानदी रेणुका के ललनवा हो। रेणुका परशुराम जी के माता जी का नाम रहल। अब रेणुका के ललनवा हो गोहनवा हो। मैं संकल्प लिया हूँ शादी नहीं करूंगा। आप गुरु हैं तो क्या हुआ, आपकी बात मैं नहीं मानूंगा। परशुराम जी कहते हैं कि पौरुष परशु का पौरुष सुन करके, अरे परशु का पौरुष सुन करके भूतल के लोग सब कांपते हैं। हम हेल बचन करने वाले यमपुर की राह को नापते हैं। मेरी बात नहीं मानेगा चेला होकर शादी इससे नहीं करेगा। भीष्म कहते हैं कि नहीं, कहे ना कर बतायावा। आवा अब हमसे तोसे होई फरिया, लड़ाई कर हराए दी हो शादी मत करी हो, हार जीवा शादी करे को होई। भीष्म कहलन कि चला, जब कही देहला तयावा गुरु होके कह देला तयावा जंग मैदान में आवा। अब गुरु चेला दोनों जने लड़ गए। एक थे मेहरारू बदे कहना बा ऊपर वाला है। हाँ ठीक है, वीर रस का भाव बा कि अरे जंगी जूझ है समर में कर सक जाएंगे।
रुपए पुरस्कार आदरणीय कहना बा नवली नवै नग हमर केहू केहू से कम ना बा। अंत में परशुराम जी भीष्म से कहलन की बस 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 चेला लड़ाई बंद करो मत शादी करो। अंबा से कहलन की अंबा अब तोहरे खातिर हम का करी देख ले लू ना लड़ाई भइल उहो हटे के ना बा तैयार। तो भाई देखा जौन भयल तौन भयल अब हम चलत हई अब तू बियाह कर चाहे मत कर। भीष्म दादा के रोक के परशुराम जी चल रहल आयने अंबा सोच गेल कि दू दू बार तीन तीन बार अपमानित हस्तिनापुर में भी अपमानित स्वयंवर में कैलन सालों के यहाँ गईली वहाँ भी अपमानित होवे के पड़ल आ यहाँ भी अपमानित। तब हम करी का आल्हा के भाव निर्जनम बाबा भोलेनाथ प्रकट होते हैं वरदान मांग ले कैलस की वरदान का मांगी अब अपमान का बदला ले जाते हैं भीष्म से। भोलेनाथ कहे कि इस जन्म में तुम बदला नहीं ले पाओगी अगले जन्म में बदला लोगी ये मेरा वरदान है। भोलेनाथ अदृश्य हुए और पुनः भोलेनाथ की तपस्या में लीन हुई
अम्बा तपस्या करती हुई दम तोड़ देती है, दम तपस्या करती हुई उसका प्राण हो जाता है। नतीजा क्या निकला अल्लाह, भीष्मदादा को घोषित किया गया कि कौरव दल का नेतृत्व करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, रथ पर शिखंडी को आगे करते हैं, कहना पड़ा आखिरी बंद में क्या कहना है, स्थल में विधायल तिरवा धनुष बाण भीष्म दादा रख लिए। इसके बाद अर्जुन को इशारा करते हैं माधव मुकुंद, पीछे से बाण चलाने लगे। नतीजा क्या निकला कि अम्बा बिरही लिया के बिरह करनवा और सरसैया पर सोए भीष्म दादा तब ने छनवा, बाण की सैया पर लिटा दिए अर्जुन जी, भीष्म दादा के अंग प्रत्यंग में बाण चुभे हैं, सर सैया पर पड़ गए। तो कहना पड़ा मालिक, बरात के व्यवस्थापक बाबूपुरम सदगुरु स्वामी राधे हिंदू श्री।